पिंपरी में हुई कार और टेम्पो की भयानक दुर्घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज, बगैर ड्राइवर के सड़क पर दौड़ता हुआ पिकअप, नांदेड़ में हुई साधु समेत दो की हत्या, हत्यारा हुआ गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज के हमारी एचआर तेज खबरों में पहली खबर पिंपरी चिंचवड़ से है। 24 मई को पिंपरी के अंबेडकर चौक पर एक ऐसी दुर्घटना हुई जो रोंगटे खड़े कर देगी। इसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको बता रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते वाहनों का बाहर निकलना प्रतिबंधित है, मगर लॉकडाउन फोर्थ में यानी चौथे चरण में कुछ हद तक काफ़ी शिथिलता आ गई है, जिसके चलते अब बहुत सी गाड़ियां रास्तों पर आ रही है। तो ऐसे ही दोपहर 1 बजे के करीब अंबेडकर चौक पर पिंपरी चिंचवड़ के यह दुर्घटना हुई जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो देखिए यह भयानक दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज हम आपको बता रहे हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चार तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर में हम आपको सड़क पर दौड़ता हुआ ऐसा एक पिकअप दिखा रहे हैं जिसे कोई ड्राइवर नहीं चला रहा है, कोई चालक नहीं चला रहा है, मगर रास्ते के एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से फिर पहली तरफ, ऐसा ये लहराता हुआ पिकअप कैसा जा रहा है, कौन कौन सी गाड़ियों से टकरा रहा है, आखिरकार एक गाड़ी से टकरा करके रुक जा रहा है। अपुष्ट समाचारों से यानी अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये अहमदाबाद के सड़क का है। देखिए ये वीडियो कैसा बगैर चालक के पिकअप दौड़ता चला जा रहा है और आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। अब गया चार तेज खबरों में हमारी तीसरी खबर नांदेड़ जिले से है। नांदेड़ जिले के उमरी तालुका में नागठान गांव में एक साधु और उनके एक सेवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार भी कर लिया है। नागठान तालुका में बाल तपस्वी शिवाचार्य निर्वाण रुद्र पशुपतिनाथ महाराज ये अपने मठ में रहते हैं। 24 तारीख की आधी रात को लगभग 3-4 बजे के बाद एक व्यक्ति इस मठ में घुसा। उसने साधु बाल तपस्वी शिवाचार्य की आंख में मिर्ची की पाउडर डाली और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने वहां पे नकदी, लैपटॉप और जेवर, साथ ही एक मोटरसाइकिल लेकर के फरार होने की कोशिश की। हालांकि ये साधु की लाश भी वहां से गायब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज होने से सेवक जाग गए। उनमें से ही एक सेवक की इसने हत्या कर दी। जिस सेवक की हत्या हुई है उसका नाम भगवान शिंदे बताया जा रहा है। वहीं से ये हत्यारा फरार होकर के, जिसका नाम साईनाथ लिंगाड़े बताया जा रहा है, उम्र 30 वर्ष है, ये करीब के ही तेलंगाना राज्य में तानूर में पहुंच गया। तानूर पुलिस ने संदेह के आधार पर इसे गिरफ्तार किया और इसे बाद में नांदेड़ के धर्माबाद पुलिस के हवाले किया। कौन थे ये बाल तपस्वी साधु, उनकी तस्वीर और हत्यारे की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। ये थी आज की हमारी एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरों के साथ।